गुड मॉर्निंग क्लास। तो देखिए, लास्ट क्लास हमने दो लॉ पढ़ चुके थे, राइट? कौन कौन से? हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द सेकेंड लॉ वाज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और फिक्स्ड प्रोपोर्शन, दैट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन कंपोजिशन। सो टूडे वी आर गोइंग टू मूव फर्दर। टूडे वी विल स्टार्ट द थर्ड लॉ, लेक्चर नंबर 11, राइट? ओके, सो थर्ड लॉ वॉज ऑल्सो फिनिश्ड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट? टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। वट? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देखिए, इसमें बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहती है, जो कि बहुत सिंपल सा होता है। इसमें कन्फ्यूजन नाम की कोई चीज़ होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों, या फिर हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या फिर आप लोग अच्छे से इसको समझना नहीं चाहते, कन्फ्यूजन होती ही होती है। चलिए ट्राई करते हैं इस बार क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन एन एलिमेंट कंबाइंस विद टू डिफरेंट एलिमेंट्स टू फॉर्म थ्री कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो एलिमेंट है, वन इज कार्बन, अनदर इज हाइड्रोजन। सो व्हेन दीज टू एलिमेंट्स कंबाइन विद अनदर थर्ड एलिमेंट, लेट्स से दैट इज ऑक्सीजन, ओके? सो आगे देखिए क्या कह रहा है। देन मासेस ऑफ द टू डिफरेंट एलिमेंट्स, मासेस ऑफ द टू डिफरेंट एलिमेंट्स विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट विल बी इक्वल। फिलहाल हम यहीं तक समझेंगे। देखिए, अब ऑक्सीजन और कार्बन से बनने वाले किसी एक कंपाउंड का हमें नाम बताइए। हाँ, सिंपली जो आपको पता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो बने वो वाटर, सी और एच से जो बने वो CH4। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है? अब देखिए वो क्या कहता है कि अगर आपने किसी एक का मास फिक्स कर दिया, ठीक है, किसी एक एलिमेंट का मास आपने फिक्स कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे हमने कार्बन का मास और कार्बन का मास फिक्स कर दिया, यहाँ कार्बन का कितना है 12, यहाँ भी कार्बन का कितना है 12, तो उस केस में इसका इसका आपने फिक्स कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? देखिए, इसको थोड़ा सा अरेंज करके ना आप ऐसे रख लीजिए। देखिए, ऐसे रखेंगे तो ज़्यादा आसानी समझ में आ जाएगा आपको, ऐसे, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से आपको दिखेगा नहीं, तो ये वाला डायग्राम ज़्यादा अच्छा सही रहेगा। देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, देखिए कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह कार्बन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे? मीथेन, CH4। अब बताइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर मिलकर बनाना चाहे तो वो क्या बनाएंगे? हाँ, वाटर बना लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर। आगे देखते क्या दिया है। विल बी इक्वल और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच द टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। इसको ऊपर कर देना, हो सकता है ये पार्ट विजिबल हो या ना हो। देखिए, अब जो हमें कहा जा रहा है कि देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हम किसके मास की बात करेंगे? रेशियो ऑफ मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का किस में? CH4 और CO2 में। हम क्यों देख रहे हैं CH4 और CO2? क्योंकि हमने कहा था किसी एक एलिमेंट को फिक्स रखना है, तो इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, हमने दोनों कार्बन को फिक्स कर रखा है। अब देखिए, यहाँ हाइड्रोजन का मास कितना? 4 एटॉमिक मास आएगा। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम का मास 1, तो 4 हाइड्रोजन एटम का 4। अब देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन का मास, यहाँ पर ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, दो एटम्स है तो कितना आएगा? 32। तो क्या रेशियो आ गई? 4:32। ये मास रेशियो, क्या ये मास रेशियो? क्योंकि इसको सिंपलिस्ट बनाना है हमें, तो 4 से दोनों को कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा? 1:8। ये बात यहाँ तक समझ में आ रही है? इसमें कोई गड़बड़ नहीं है? तो चलिए ऐसे ही आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेशियो ऑफ
मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। अब हम वाटर के साथ बात करते हैं, देखिए अभी आपको जो समझ में आया वो क्या था कि अगर हम कोई भी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दे, कार्बन का हमने यहां कर दिया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या आया, हाँ एक रेशियो आई, यह है ना 1:8। ऐसे ही अगर हम थर्ड कंपाउंड की बात करें जो कि इन दोनों डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है, इससे और इससे बना हुआ है, वो कौन सा है, वाटर है। अगर वाटर का आप रेशियो ऑफ मास लिखें तो हाइड्रोजन के दो एटम यानी कि 2, ऑक्सीजन के एक एटम यानी कि 16, इसको भी कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 1:8 आएगा। क्या देखिए ये रेशियो और ये रेशियो सेम आ रहे हैं या डिफरेंट, सेम आ रहे हैं ना, यही होता है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या कहता है ये कि अगर आपका एक एलिमेंट किसी और दो एलिमेंट से कंबाइन होता है, एक एलिमेंट दो और एलिमेंट से कंबाइन होता है तो कुल तीन कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। अगर आप तीन कंपाउंड में से कोई दो कंपाउंड ऐसा चूज करिए जिसमें का एक का मास फिक्स हो तो ठीक है, तो बाकी दोनों का रेशियो का मास निकाल लीजिए। वैसे ही जिनका आपने अभी रेशियो ऑफ मास निकाला उनसे जो प्रोडक्ट बना होगा उसका रेशियो ऑफ मास निकालिए, देखिए दोनों हमेशा सिंपल रेशियो आते हैं आपको, या तो दोनों सेम सेम मिल जाएंगे यानी कि 1:8, फिर दूसरा जो आपने निकाला वो भी क्या आ गया 1:8, 1:8 का मतलब 1/8 और ये भी 1/8, या तो ये ऐसे मिल जाएगा या आपको 1/16 मिल सकता है, हाँ ये भी मिल सकता है, क्यों, क्योंकि देखिए 8 का मल्टीपल है 8 × 16। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमें ये मिलता 1:8 और दूसरा हमें मिलता 1:24, तो बताइए वो इस लॉ को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों, क्योंकि 1:1 तो सेम है 8 × 3 = 24। ऐसे ही फॉर द एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आपको मिल गया 1:2/5, ठीक है, और दूसरा आपको रेशियो मिल गया 8/5, आप बताइए क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को शो करेंगे या नहीं, हाँ बिल्कुल करेंगे। रीजन देखिए 2×4 = 8, एक इसका सिंपल मल्टीपल है, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर मिलेगा जो कि डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हाँ सिंपल मल्टीपल कहते हैं। तो अगर सिंपल मल्टीपल में भी अगर आपको मिलता है तो वो भी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। एक बार फिर से देखिए क्या कह रहा है ये लॉ, अब आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा, ये कहता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक एलिमेंट है कार्बन, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, ये दो और एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, मान लीजिए हाइड्रोजन और किसी के साथ कंबाइन होता है ऑक्सीजन, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, देखिए ये और ये मिलके क्या प्रोडक्ट बनाएंगे CO2, ये मिलके क्या बनाएंगे मीथेन, और अगर ये आपस में मिल जाए तो क्या बनाएंगे वाटर। ये एग्जांपल हमने समझ लिया, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि एक और एग्जांपल होता है, सर क्या जरूरी है कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाए, बिल्कुल नहीं। आपको याद है कार्बन और ऑक्सीजन का अगर हाफ कम्बस्टन करते हैं तो हमें कौन सी गैस मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है ना कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, देखिए ये तो आप बना लेंगे। अब देखिए हमें पहला काम दो ऐसे कंपाउंड को चूज करिए जिसमें कि एक का मास फिक्स रहे, किसका चूज कर लें, देखिए एक ये चूज करेंगे एक ये, क्यों, क्योंकि इसमें भी कार्बन इसमें भी कार्बन, दोनों ही कार्बन के एक एटम, इसका भी 12 मास आएगा इसका भी मास 12 आएगा, तो इनका मास सेम है तो हम इनको चूज करेंगे, तो चूज करिए यहाँ लिख लीजिए आप CH4 एंड CO। अब बताइए इसमें ये और ये तो सेम है तो इनको आप भूल जाइए, हमें रेशियो किसे निकालना है, हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन का, बताइए यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है 4, तो 4 मास आ जाएगा H2, यहाँ ऑक्सीजन का एक एटम है और उसका मास कितना आता है 16, तो देखिए ये कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा हमें 1:4 देगा, ये बात समझ में आ रही है। चलिए ये किसके रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आते हैं एक कंपाउंड जिसको हमने छोड़ रखा था जो कि जिनका रेशियो अभी आपने निकाला उसी से बना होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाला आपने, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये बना हुआ है, इसका रेशियो निकाल लीजिए,
हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 2:16, इसको कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा 1:8। देखिए यहाँ 1:8 आया, यहाँ 1:4 आया। अब हमें ये बताइए क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, सॉरी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करते होंगे या नहीं? हाँ बिल्कुल करते होंगे। रीजन 1 और 1 सेम है, 4 और 8 एक दूसरे के क्या हैं, सिंपल मल्टीपल है, 4 2 8 सही है, इसलिए ये भी क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। बात सुन में आइए, किसी कोई डाउट नहीं है तो चलिए, ये है पूरा एक्सप्लेनेशन, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से हम समझाते हैं क्या होता है इसमें। एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट से कंबाइन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से 3 प्रोडक्ट बनेंगे। पहले आप उन दो प्रोडक्ट को चूज करिए या कंपाउंड को जिसमें कि एक एलिमेंट कॉमन हो, ठीक है, फिर वो जो डिफरेंट वाले उनका मास निकाल लीजिए। अब जो डिफरेंट वालों का अपने रेशियो ऑफ मास निकाला है उनसे बना हुआ एक जो प्रोडक्ट अभी बचा है आपके पास थर्ड, उनका रेशियो निकालिए। आप देखेंगे या तो वो रेशियो एकदम इक्वल आ जाएगा या एक दूसरे का सिंपल मल्टीपल आएगा। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे कि वो इस लॉ को फॉलो करते हैं। अब हमें बताइए अगर हम आइसोटोप्स यूज करें तो ये लॉ फॉलो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आइसोटोप्स में क्या होता है, मास बदल जाता है। देखिए मेरे पास एक और एग्जांपल है, इसको तो आप खुद सब कर सकते हैं। देखिए कार्बन सल्फर और ऑक्सीजन का, कार्बन सल्फर और ऑक्सीजन, देखिए कार्बन और सल्फर मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइसल्फाइड, एक टॉक्सिक गैस होती है कार्बन डाइसल्फाइड। उसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी। हम कौन सा ले, मोनोऑक्साइड देख लीजिए, इस बार डाइऑक्साइड ले लीजिए। वैसे बताइए ये कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड भी बना सकते हो, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना सकते हैं, आप चाहें जिसको ले लीजिए। मान लीजिए आपने सल्फर डाइऑक्साइड लिया है, हम ट्राइऑक्साइड वाला भी इसके बाद वाले एग्जांपल को लेके समझा देंगे, ठीक है। पहला काम, जहाँ पे सेम एलिमेंट मिलेगा CH2 और CO2, देखिए सेम है ना, आप चाहें तो ऐसे भी ले सकते थे, देखिए CO2 और SO2, इसको क्यों ले सकते हैं, देखिए यहाँ भी O2 यहाँ भी O2, ये सेम मास हो जाएगा, कार्बन और सल्फर का रेशियो निकाल लेंगे। देखिए अगर हम यहाँ से निकालें तो कार्बन का मास कितना आएगा, 12 क्योंकि एक एटम है, सल्फर का मास 32 क्योंकि ये भी क्या है, एक एटम है। इसको सॉल्व करेंगे देखिए 3:8 आ जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। ये तो रहा कॉमन वाला, अब हमने जिसे रेशियो निकाला है उनसे बना हुआ प्रोडक्ट, ये किसका किसका रेशियो है, कार्बन और सल्फर का, तो कार्बन और सल्फर से जो कंपाउंड बना वो क्या है, CH2। देखिए कार्बन का मास 12, सल्फर के एक एटम का मास 32, तो दो एटम का मास कितना होता है 64। इसको डिवाइड करिए, देखिए ये आएगा 3:16, कितना आएगा 3:16। अब हमें ये बताइए 3:16 और 3:8 अगर आपको ऐसी दो वैल्यू मिलती है तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे होंगे या नहीं? हाँ कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि 8 और 16 एक दूसरे के क्या है, सिंपल मल्टीपल है। एक बात अब देखिए, अब क्या क्या बदल सकता था, जो बदल सकता है इस बार उसको बदल के भी देख लेते हैं। इस बार हमने क्या ले लिया यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और यहाँ हमने ले लिया सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए कहाँ पर सेम मिल रहा है, C, तो हम इन दोनों को चूज करेंगे, ठीक है। तो रेशियो किसका बनाएंगे, सल्फर और ऑक्सीजन का, तो बताइए सल्फर के दो एटम का मास 64 क्योंकि एक एटम का मास 32 होता है, ऐसे ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, इसको कैंसिल करेंगे, देखिए ये 16 से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 4:1, क्या रेशियो आएगा 4:1। ये तो इनका हो गया सल्फर और ऑक्सीजन का। अब सल्फर और ऑक्सीजन से जो बना आप उसकी बात करिए, सल्फर का 32, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, 3 एटम्स हमने यहाँ लिया है, सल्फर ट्राईऑक्साइड हमने लिया है, तो ये कितना आ गया 48, देखिए ये 16 से कैंसिल होगा 2 times और 3 times, तो हमें यहाँ से क्या मिला 2:3, सही है ना। देखिए एक मिनट, हाँ ठीक है, ये मिला हमें 4:1 और ये मिला हमें 2:3,
मिला ना। अब देखिए टू और फोर सल्फर सल्फर हैं, एक दूसरे के क्या हैं सिंपल मल्टीपल, ये वन है ये थ्री है, ये भी क्या है एक दूसरे के सिंपल मल्टीपल। कैसे पता चला, टू में टू मल्टीप्लाई कर देंगे फोर आ जाएगा, वन में थ्री मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, हाँ ये किसको डिफाइन करते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को डिफाइन करते हैं। एक बार फिर से यहाँ पे आप स्टेटमेंट को ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे दिया था ना द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट विल बी इक्वल और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच द टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। वो सिंपल मल्टीपल में भी हो सकते हैं, यही चीज हम आपको दिखाना चाहते थे। अभी क्लियर है, समझ आ गया, आगे बढ़े। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखा हुआ है पीडीएफ से, आप कर लीजिएगा या फिर चाहे तो आप यहां से स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं। देखिए इसमें इस वाले एग्जांपल में हमारा वैल्यू क्या है, 2:1 और 1:1। देखिए यहां पर 2 है यहां पे 1 है, क्या एक दूसरे के सिंपल मल्टीपल है, बिल्कुल है, 1 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हो गया, और ये तो सेम सेम है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ एंड द लास्ट लॉ दैट इज गे लूसेक लॉ या लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। जनरली आपको बुक्स में इस नाम से मिलता है, लेकिन कई बार आपको इस नाम से भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। गे लूसेक लॉ किसको डिफाइन करता है, वॉल्यूम ऑफ गैस को, यानी कि गे लूसेक लॉ सिर्फ और सिर्फ कहाँ ट्रू मिलेगा आपको, गैस के कंडीशन में। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गैसेस कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। जो गैसेस होती हैं वो एक सिंपल वॉल्यूम रेशियो में कंबाइन होती हैं, यानी कि वो भी सिंपल मल्टीपल में होंगी, डेसिमल के मल्टीपल में नहीं होंगी। एंड इफ द प्रोडक्ट फॉर्म द ईच आल्सो अ गैस, अगर दो गैस को मिलाने से तीसरा जो गैस प्रोडक्ट बना हमारा, अगर वो भी गैस है, इट विल बी आर द सिंपल वॉल्यूम रेशियो विद द रिएक्टेंट गैसेस। तो उसका जो वॉल्यूम आएगा, अगर आप देखिए अभी आपके पास दो गैसेस थी, मान लीजिए नाइट्रोजन गैस था और हाइड्रोजन गैस था, तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, हाँ अमोनिया गैस बनाती है ना। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर ये दो गैसेस को आपने कंबाइन कराया और इससे भी गैस बन गया, तो इन तीनों का जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा वो एकदम सिंपल रेशियो होना चाहिए। देखिए कैसे होगा, अभी क्या करिए इनको बैलेंस कर दीजिए, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 2 से। बैलेंसिंग टेस्ट में सीखे थे ये क्वेश्चन, आपको आया हुआ भी था एक बार। हाँ देखिए अभी क्या करना है आपको, बताइए कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं यहाँ पर, नाइट्रोजन गैस के कितने मोल्स हैं, यानी कि हम पूरे मॉलिक्यूल को एक मान के चल रहे हैं, तो एक मोल यहाँ पर 1 छिपा होगा। उसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, 1 वॉल्यूम लिख सकते हैं इसको। हम वॉल्यूम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये लीटर भी हो सकता है, मिलीलीटर भी हो सकता है, मीटर क्यूब भी हो सकता है, और डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर, इसे ढेर सारे यूनिट होती हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम बोल रहे हैं। अब देखिए ये हाइड्रोजन गैस है, इसके कितने मोल हैं, हाँ हाइड्रोजन गैस के 3 मोल हैं। अगर आपसे हाइड्रोजन एटम्स के मोल पूछेगा तो 2, 3 या 6 मोल्स, ध्यान रहे वो हाइड्रोजन एटम्स का मोल 6 है, लेकिन हम हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं तो कितने मोल हैं, 3 मोल। तो हमने कह दिया ये 3 वॉल्यूम हमने ले लिया। तो देखिए एक वॉल्यूम नाइट्रोजन जब 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन से कंबाइन होता है तो हमें क्या मिलता है, 2 यानी कि 2 वॉल्यूम अमोनिया गैस मिलेगा। देखिए हमें जो समझना वो ये है, नंबर देखिए 1:2, 3:2, क्या ये नंबर सिंपल रेशियो है या नहीं है, बिल्कुल है, यहाँ पे कहीं भी आपको डेसिमल दिख रहा है नहीं ना। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, अगर ये सारे रिएक्टेंट्स प्लस प्रोडक्ट तीनों गैस हैं और तीनों का वॉल्यूम सिंपल रेशियो में है, तो वो क्या करते हैं, गे लूसेक लॉ को फॉलो करेंगे, सही है। चलिए इसका यूज क्या है, इसका काफ़ी यूज है, देखिए कैसे है। अभी हमने लिखा था क्या रेशियो आया था, 1:3:2 आया था ना। अब मान लीजिए मुझसे कोई कहे कि आपके पास 3 लीटर हाइड्रोजन गैस है, तो है
कैसे है वो बात छोड़ दीजिए। मान लीजिए अगर बस 3 लीटर हाइड्रोजन गैस है, तो आप बताइए कि उसको अगर हम 1 लीटर नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स कर दें तो कितना अमोनिया बनेगा। बहुत सिंपल है, देखिए जब आपके पास 3 लीटर ये है तो देखिए 3:2 का रेशियो, अगर आपके पास ये 3 है तो ये कितना बनता है 2, तो अमोनिया कितना बन जाएगा आपका 2 लीटर अमोनिया बनेगा। नहीं समझ में आया ना, अभी नीचे एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा, अभी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए आगे आपको एक नोट पॉइंट लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। क्या है? इट इज ओनली वैलिड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर बिल्कुल कॉन्स्टेंट हो जाएगा तभी ये लॉ वैलिड होगा। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम, हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम, जब कंबाइन होता है तो 2 वॉल्यूम आपको क्या मिलता है? अमोनिया। अब मान लीजिए आपसे कह दिए कि हम आपको देते हैं 150 ग्राम, ले लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान रहेगा, 150 ग्राम हाइड्रोजन गैस। तो बताइए 150 ग्राम अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस है तो आपको कितना नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान से हम क्या पूछ रहे हैं, नाइट्रोजन गैस कितना चाहिए। देखिए जब आपके पास ये 3 है तो आपको ये कितना चाहिए? 1 चाहिए ना, यानी कि ये कैसे मिल रहेगा हमको? 3 से डिवाइड करके। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यूनिटरी मेथड से, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन आपको क्या देता है? 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन देता है, देता है ना। तो आप ऐसे यहाँ से बताइए हमें कि 3 लीटर हाइड्रोजन कितना नाइट्रोजन चाहिए आपको? 1 लीटर नाइट्रोजन चाहिए। तो बताइए कि 1 लीटर हाइड्रोजन में कितना नाइट्रोजन चाहिए? यहाँ से 3 इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 1/3 लीटर नाइट्रोजन। कितना हाइड्रोजन हमें दिया गया है? 150 ग्राम। अगर ग्राम में दिया है तो आप ग्राम लिख लीजिएगा, या लीटर में दिया है तो लीटर लिख लीजिएगा। मान लीजिए दिया है 150 ग्राम, तो कितना हो गया? 150 ml हो गया। तो देखिए 1/3 × 150 मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आएगा, 50। क्या बन गया हमें? 50 ml नाइट्रोजन गैस चाहिए। एक चीज़ दूसरी, अगर हमसे पूछ ले बताइए कि अमोनिया गैस कितना बनेगा, तो आप वो भी बता सकते हैं। देखिए क्या आता है, हाँ 1:3:2 आता है ना। देखिए जब आपका 3 मोल यानी कि 3 वॉल्यूम्स हाइड्रोजन गैस होता है तो आपको क्या मिलता है? 2 वॉल्यूम अमोनिया गैस मिलता है। तो बताइए कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 3 मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस से 2 ग्राम अमोनिया गैस मिलेगा, क्योंकि यूनिट चेंज कर दिया हमने। अब बोलिए 1 ml हाइड्रोजन गैस से कितना मिलेगा? 2, ये 3 उधर उड़ा के लेके जाएंगे तो 3/4 हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि 1 ml आपने निकाला है और हमें 150 ग्राम के लिए निकालना है, तो बताइए 150 ग्राम को मान लेते अगर 150 ml है तो क्या करेंगे, 2/3 × 150 कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 100 ml आ जाएगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इस लॉ की हेल्प से रेशियो निकाल लेंगे और रेशियो की हेल्प से हम बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट कितना चाहिए और प्रोडक्ट कितना बनेगा। बात समझ में आ रही मेरी, हम जो कह रहे हैं क्लियर है? चलिए तो आप हमें एक इक्वेशन देख लीजिए और इक्वेशन देख के हमें एक रिलेशन आप खुद से हमें बताएंगे। अच्छा इतना रिलेशन की ज़रूरत नहीं थी, पूछी क्यों नहीं थी? टोटल आपके पास 150 ml ये था, तो बताइए ये क्या है, उससे 3 गुना कम है, तो 150 को 3 से डिवाइड कर दीजिए कितना आता, 50 आता, ये हो जाता आपका 50 ml। अब देखिए अगर ये 1 वॉल्यूम है तो ये कितना है, 2 वॉल्यूम, तो बस इसका डबल है वहाँ पर, ये 50 है तो ये कितना बनेगा, 100 ml। अब जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है तो वो पूरा स्टेप वाइज कर लेगा, अदरवाइज थोड़ी सी मैथ्स यूज करके आप इसको ओरल कर सकते हैं। और क्वेश्चन ट्राई करें। चलिए अब हम कह रहे हैं आपके पास मान लीजिए कि 5 लीटर क्या है, नाइट्रोजन गैस है, आप हमें ये बताइए कितना हाइड्रोजन गैस चाहिए आपको। अगर ये 5 है तो ये हाइड्रोजन गैस कितना चाहिए,
15 चाहिए। कैसे पता चला? क्योंकि देखिए 1 ये था तो ये 3 चाहिए हमें, यानी कि इसका ये 3 गुना है। तो ठीक है, जब यहाँ 5 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15। तो हमें 15 लीटर हाइड्रोजन गैस चाहिए। अब हमें ये बताइए कि अमोनिया गैस कितना मिलेगा? देखिए ये 1 है तो ये कितना है? 2। तो जब ये 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 10। यानी कि हमें कितना मिलेगा उस केस में? 10 लीटर अमोनिया गैस मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही? हम क्या करना चाहते हैं? सही है। चलिए नेक्स्ट हमारा एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है आपको पता ही है? एवोगैड्रो नंबर पता है या नहीं? हाँ, क्या होता है? 6.022 × 10²³। नहीं, देखिए एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एंड हेंस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी अगर ये कह रहा है कि आपके पास 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, और किसी और के पास 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, तो दोनों के जो वॉल्यूम आएगा, मान लीजिए इसका वॉल्यूम आ रहा है 5 लीटर, तो इसका भी वॉल्यूम 5 लीटर ही आएगा। ये चीज़ ये एवोगैड्रोस लॉ कहता है। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, या फिर इसका रिवर्स केस देखिए, अगर मान लीजिए 5 लीटर आपके पास CO2 है और 5 लीटर CO है, ठीक है, तो उस केस में जितने मोल CO2 के आएंगे उतने मोल ही CO के आएंगे। अगर इनके मोल CO2 और CO के सेम आ रहे हैं तो बताइए ये मोल को हम अगर 2Na लिख दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हाँ, मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। इसी तरह ये 2 मोल है तो इसको हम क्या लिख लें? 2Na मॉलिक्यूल्स। ध्यान से देखिए तो मॉलिक्यूल्स का नंबर भी सेम आ रहा है, आ रहा है ना। अब हम एटम्स की बात करते हैं। हमने एक चीज़ देखा, अगर मेरे पास 2 अलग अलग टाइप के गैसेस हैं, ठीक है, अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उनके मोल्स सेम आते हैं, 2 मोल 2 मोल, क्योंकि मोल सेम है तो उनके मॉलिक्यूल्स भी सेम आते हैं। अब हम बात करेंगे एटम्स की। बताइए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 3, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, 3, तो 3 × 2 = 6, यानी कि इसमें कितने होंगे आपके? 6Na एटम्स होंगे। टोटल एटम्स की बात हो रही है, ठीक है, टोटल कितने होंगे? 6Na। अब यहाँ देखिए 1 कार्बन है 1 ऑक्सीजन, यानी कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स? 2, और 2 मोल यहाँ पे है तो 2×2 = 4 मोल, या 4Na टोटल एटम्स होंगे। यहाँ देखिए कितने एटम्स आए? 4Na। यहाँ कितना आया? 6Na। क्या सेम आ रहे हैं? नहीं, यानी कि हो सकता है कि एटम्स का नंबर भी सेम हो जाए, लेकिन ऐसा होगा ये इस लॉ में कहीं भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यानी कि एटम्स के लिए इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इनका कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपके पास मान लीजिए SO2, SO3, CO2, अभी अमोनिया के लिए हमने देखा था अमोनिया, CH4 मीथेन, इतने सारे गैसेस हैं, और हमने कहा आपके पास ये दो लीटर है। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं? अगर सब दो दो लीटर हैं तो जितना मोल ये होगा उतने मोल ये भी होगा, उतने मोल ये भी होगा, उतने मोल ये भी होगा। नहीं पता कितना होगा, मान लेते हैं इसके कितने मोल्स हैं? N मोल्स। तो बताइए ये कितना मोल होगा? N मोल। ये कितना मोल होगा? N मोल्स। ये भी कितने होंगे? N मोल्स। अब हमसे पूछेगा बताओ मॉलिक्यूल्स, तो N इंटू, क्योंकि N मोल्स है तो मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं? Na। तो N इंटू Na मॉलिक्यूल्स, इसका भी सेम आएगा N इंटू Na मॉलिक्यूल्स, सेम यहाँ भी, सेम यहाँ भी। देखिए वॉल्यूम सेम था, मोल सेम आया, क्योंकि मोल सेम आया तो मॉलिक्यूल्स भी सेम आए। अब हम एटम्स की बात करेंगे। बताइए यहाँ पर 2 और 1 = 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3N इंटू Na एटम्स। यहाँ बताइए 3 + 1 = 4, 4 × n, 4NNa एटम्स। देखिए क्या ये सेम आ रहे हैं कि डिफरेंट आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं ना। यहाँ देखिए 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, यानी कि 3 3NNa। ये देखेंगे तो ये और ये सेम आएंगे, ऐसे आप करेंगे तो ये और ये सेम आएंगे, यानी कि ये सेम आ भी सकते हैं और सेम
नहीं भी आ सकते हैं। ये सेम तब आते हैं जब इनकी एटोमिसिटी सेम हो। एटोमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। यहाँ पर देखिए तीन है, यहाँ चार है, तीन है, चार है, क्योंकि इसमें तीन एटम हैं और इसमें भी तीन एटम हैं, तो इस केस में नंबर ऑफ एटम्स भी सेम आ जाएंगे। ठीक है, अगर एटोमिसिटी सेम नहीं होगी तो ये सेम नहीं आएंगे। यहाँ देखिए कितने एटम्स हैं, एक सल्फर तीन ऑक्सीजन, यानी कि चार। यहाँ भी कितने हैं, चार। तो इनके नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। लेकिन ये लॉ इस बात पर कोई कमेंट नहीं करता है। ये लॉ बस ये कहता है अगर आपके पास इक्वल वॉल्यूम के गैसेस हैं तो उसमें इक्वल नंबर के मोल्स मिलेंगे आपको। दूसरी चीज़, उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका भी नंबर इक्वल ही रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा। कब? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखिए यहाँ पर H2 है, CO2 है, SO2 और SO3। आप बताइए अगर सबका वॉल्यूम सेम है तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स अगर हम n मान लें तो इसमें कितने होंगे, n और n। ये क्या नंबर ऑफ मोल्स, n मोल्स। मॉलिक्यूल्स बनाना है तो क्या लिख लीजिए, n into na कर दीजिए। यहाँ भी n into na। देखिए सबके मोल्स भी सेम आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम आएंगे। अब हम जब बात करेंगे एटम्स की तो बताइए इनके और इनके एटम्स सेम आएंगे या नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दो एटम्स हैं और इसमें तीन एटम्स हैं। इसका 2n na हो जाएगा, इसका 3n na हो जाएगा, इसका और इसका सेम आएगा, क्योंकि यहाँ भी तीन एटम और यहाँ भी तीन एटम। इसका इसका डिफरेंट, क्योंकि यहाँ तीन एटम है लेकिन यहाँ पर चार एटम है। बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलिए आगे देखिए। देखिए यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लेते हैं n मोल्स है तो n n n n n। अब क्योंकि n मोल्स है, ये सब क्या है, मोल्स हैं, तो मोल्स को पार्टिकल जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई na करते हैं, तो n into na। ऐसे इसमें भी na का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, सेम सेम आ गया। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। देखिए एक मॉलिक्यूल में दो एटम है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 2na na हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल्स में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 3 है तो 3 से करेंगे और यहाँ 4 है तो 4 से करेंगे। ये 14 है, ये 4n है ना, ठीक है। अब देखिए ये और ये डिफरेंट है क्योंकि यहाँ ये नंबर डिफरेंट था, ये और ये सेम है क्योंकि यहाँ भी तीन एटम्स थे और यहाँ भी तीन एटम्स थे। तो ये बात और है कि कई बार आपको सेम मिल भी सकते हैं और सेम नहीं भी मिल सकते हैं, ये इस लॉ का कोई पार्ट नहीं है। बस लॉ यही कहता है अगर आपके पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आएंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल ही आएंगे। सही है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको खैर पहले से ही पता है, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया ये देखिए। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल के तौर पर हमने ले लिया ग्लूकोज C6H12O6। तो ये जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, जो आप हमेशा से लिखते आ रहे हैं, इस फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को लिखने का एक और तरीका होता है C6H12O6, वो क्या होता है देखिए, हम इसमें से कॉमन ढूंढ लेंगे। कितना कॉमन आपको दिख रहा है, 6 6 12 6, सब 6 इंडिविजुअल हैं तो 6 कॉमन ढूंढ लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन बचेगा। 6 जब कॉमन लेंगे तो एक बचेगा, यहाँ से 6 कॉमन कर लेंगे तो 2 बचेगा। कॉमन करने मतलब क्या होता है, हाँ डिवाइड करना। तो देखिए अब ऐसे ही ऑक्सीजन को डिवाइड कर देंगे, 6 से क्या बचेगा, 1। अब जो बचा आपने, जो कॉमन लिया है आपने, उसको हम यहाँ लिखते हैं रेडिक्स में। बात समझ आ रही है, ये जो फॉर्मूला आपको मिला, इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब अगर हमें इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये हमारा कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो हम लिख लेंगे MF। ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो हम इसको क्या लिखेंगे, EF। और यहाँ जो नंबर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, N लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना। ऐसे ही अगर हमसे कभी कोई ये पूछ ले, बताओ n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, n का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई में होता है,
लेकिन हम N को लिखते कहाँ हैं, रेडिक्स नीचे एकदम, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन, ये क्या हमारा E है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये जो मास है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, इसको आप मोलर मास में भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आपको उसको देख के घबराना नहीं है, अगर ग्राम में दिया है तो ये मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। देखिए कैसे निकालेंगे। अच्छा, यहाँ से आपको देख के पता चल रहा ना एन की वैल्यू कितनी है, 6 है। इसी को हम वेरीफाई करते हैं फॉर्मूला में रख के। देखिए एन का फॉर्मूला क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या मोलर मास, चलिए इसे मोलर मास निकालते हैं। कार्बन का एक एटम का 12, टोटल 72 प्लस 12 84 एंड 16 सिक्स 96। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 180 ग्राम अपॉन। देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है, इसका मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 14 और ऑक्सीजन का 16 कितना होता है 30। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 3 6 18। एन की वैल्यू कितनी आती है, 6। क्या यहाँ भी सेम आया है, हाँ। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट देख के पता चल जाएगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं दिया है तो आपको ऐसे एन की वैल्यू कैलकुलेट करने भी आना चाहिए। आपको सब फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये रिलेशन याद रखना है। अगर आपको ये याद है कि कैसे बनता है तो आप फॉर्मूला अपने आप से बना सकते हैं, सही है। आगे बढ़े, चलिए देखिए। तो देखिए डेफिनेशन लिख लीजिए, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सही है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको पहले से भी पता था कि एक मॉलिक्यूल में कुल कितने एटम्स मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हाँ, उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, वो नंबर ऑफ एटम्स देता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको रेशियो ऑफ एटम्स देता है। फॉर एग्जाम्पल C6H12O6, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आया था, CH2O, फिर हमने यहाँ पर लिखा था 6, ये आया था हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला, बस ये एम्पिरिकल फॉर्मूला का पार्ट नहीं है, ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखिए नंबर ऑफ एटम्स लिखिए, इसका कितना है 6 रेशियो 12 रेशियो 6। देखिए सब 6 से कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1H2 2H2 1, हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा ना। ये देखिए क्या है, हमें एक सिंपल रेशियो देता है, कार्बन का एक एटम इसलिए हमने 1 छिपा दिया, हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का एक एटम इसलिए 1 हमने छिपा दिया, सही है। तो देखिए डिफरेंस क्या है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नंबर ऑफ एक्चुअल एटम्स देता है को कितने हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको एक रेशियो देता है कि वो किस रेशियो में होंगे, सही है। ये क्या देता है, हमें एक रेशियो देता है। अच्छा, ये रेशियो को कई बार हम मोल्स रेशियो भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम मोल रेशियो। कैसे, अगर आपको कह दे कि आपके पास कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, ये एलिमेंट्स का रेशियो आपको हम दे देते हैं 1H2 2H2 1, और आपसे पूछ लिया कि बताइए फॉर्मूला इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, तो बस C1 को C लिखेंगे, H2 को H2 लिख देंगे, Cl में 1 को लिखने का मतलब क्या है, Cl लिख दीजिए, CH2Cl, ये हो जाएगा हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर आपसे पूछ ले बताइए कितने मोल्स हैं, तो आप एम्पिरिकल फॉर्मूला से मोल्स बता सकते हैं, एक्चुअली मोल का रेशियो, ठीक है। दूसरा, मोल रेशियो से आप एम्पिरिकल फॉर्मूला भी बना सकते हैं। इसी के साथ साथ एक छोटी चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, 10th में हमने बताया था, हाँ, वो क्या होते हैं, किससे बनते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से, नहीं, इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से सिर्फ बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, याद आया, ठीक है। तो अगर आपको कभी कह दे कि सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेरे पास, तो आपको खुद से सोचना होगा कि उसमें ऑक्सीजन भी होगा, ये बात समझ आ रही है, हाँ, ये आपको दिया नहीं रहेगा, आपको खुद से ये गेस करना होगा उसमें ऑक्सीजन भी
होगा, सही है। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और भी कुछ हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस कुछ भी है, क्लोरीन, तो आपको अलग से लिख के देगा कि आपके इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये भी है। अगर सिर्फ कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ मिल गया तो आपके माइंड में हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन आता है, ये मिस्टेक है। अगर हाइड्रोकार्बन लिख के आ रहा है तब तो दोनों वही रहेगी, कार्बन और हाइड्रोजन। अगर ऑर्गेनिक लिख के आ रहा है तो आपको चेक करना होगा ऑक्सीजन होगा या नहीं, सही है। तो ऑक्सीजन वहाँ भी होगा। तो देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, यही सेम चीज, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विच गिव द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स। वो क्या देता है, सिंपलेस्ट रेशियो देता है हमें, जबकि ऊपर मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या देता है, हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स देता है। इन अ मॉलिकुलर कंपाउंड इज नोन एज एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये है मॉलिकुलर फॉर्मूला मास, यह है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये है एन। देखिए कैसे लिखा गया, ऐसे ही लिखा जाता है। तो एन की वैल्यू इसको उठा के आप इधर लेके आइए, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके ये क्या हो जाता है, डिवाइड में। मॉलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, समझ में आ रही है मेरी बात। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो और काम हमारा हो जाएगा। इसी क्वेश्चंस करने में आपको कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना होता है, करने के दो तरीके भी होते हैं। एक तो ऐसे टेबल फॉर्म में होता है जो कि जनरली बुक में मिल जाता है, ठीक है, हम आपको दोनों ही बता देंगे। हम चाहेंगे आप दूसरा मेथड यूज करें क्योंकि वो ज़्यादा आसान है, फिर भी अगर आपको लगता नहीं आपको ये यूज करना चाहिए तो आप करिए, इससे कोई फर्क आंसर पे नहीं आने वाला। देखिए देखिए मेरे पास दिया है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मतलब हाँ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कंटेन 60% कार्बन, देखिए और क्या दिया है 8% हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो दिया ही नहीं है, तो ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ के बताइए, होगा। आप सोच रहे होंगे सर दिया नहीं है कैसे पता, ऐसे पता चलेगा। देखिए कोई भी कंपाउंड कितना होता है, 100% होता है ना, तो देखिए 60% तो कार्बन है आपके पास, 8% हाइड्रोजन है, क्या 60 और 8 मिलके 100 हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे, कितने होंगे 68%। तो बताइए इसमें कितना कम है, अभी इसमें 30% अभी कम है, तो बताइए वो 30% कौन होगा फिर, हाँ वही ऑक्सीजन है, जो कि आपको कई बार क्वेश्चन में साफ साफ लिख के देगा, कई बार आपको खुद से वो निकालने आना चाहिए। तो जब भी अगर आपका परसेंटेज कंप्लीट हो गया तब तो छोड़ दीजिएगा ऑक्सीजन को, अगर ये चीज़ कंप्लीट नहीं हो रही है इसका मतलब जो परसेंट बचा वो किसका है, ऑक्सीजन का है। बात समझ में आ गई मेरी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होगा 32%। तो देखिए एक टेबल बना लेंगे ऐसे एलिमेंट का, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, उसी तरह फिर उसका परसेंटेज जो दिया है, परसेंटेज बाई मास, यानी कि उसी के परसेंटेज वाली वैल्यू को उसके मास से क्या करें आप, डिवाइड कर दें, फिर एक रेशियो आएगा। अगर ये रेशियो सिंपल है तो वैसे ही रख दीजिए, अगर ये रेशियो मान लीजिए डेसिमल में आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए कितना ले लें हम, चलिए हम एक बार आपको ट्राई करते बताने के लिए, ये मान लीजिए 5.4 आ रहा है और ये ले लीजिए 4.8 और ये मान लीजिए आपका आ गया 0.6। अब ध्यान से देखेंगे ना तो आपको ये सिंपल रेशियो नहीं मिलेगा, तो आप जो सिंपल रेशियो बनाएंगे, देखिए दो तरीका होता है, एक तो आप डायरेक्ट यहाँ से गेस कर सकते हैं 5.4 को लगभग हम 5 कह सकते हैं ऐसे करके, या फिर दूसरा तरीका है ये जो छोटा वाला नंबर आपको मिला है इस छोटे वाले नंबर सबको डिवाइड करिए, 0.6 को 5.4 से डिवाइड कर लीजिए, सॉरी 5.4 को 0.6 से डिवाइड कर लीजिए, उसी तरह 4.8 को भी इससे डिवाइड करिए और इसको भी इससे डिवाइड कर दीजिए, फिर आपको सिंपल रेशियो मिल जाएगा। हमें यहाँ करना नहीं है क्योंकि हमें तो पहले से सिंपल रेशियो 5.82 सब सिंपल नंबर मिला हुआ है। अगर डेसिमल में मिलता तो जो छोटा नंबर मिलेगा उस छोटे नंबर से सबको डिवाइड करिए, फिर जो नंबर मिलेगा वो आपको क्या देगा, सिंपल रेशियो देगा। बात समझ में आ गई, फिर वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक कॉलम आप एन का बना लेंगे नंबर ऑफ मोल्स के लिए, या एम्पिरिकल फॉर्मूला का कॉलम बना लेंगे। देखिए क्या होगा, अब देखिए कार्बन आपके पास कितना दिया 60%, आपने 60 लिख लिया, हाइड्रोजन 8% 8 रख लिया आपने, ऑक्सीजन नहीं दिया था आपने कैलकुलेट कर लिया कितना 32%, यहाँ तक सही है। नेक्स्ट कॉलम वाला परसेंटेज बाई मास, यानी कि जो परसेंटेज दिया है उसको आप क्या बनाइए, मास में, तो कर लीजिए 60 डिवाइडेड बाई मास,
कार्बन का मास कितना होगा 12, 60 डिवाइडेड बाई 12 की वैल्यू कितनी आ गई 5, 8 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का मास 1, 8 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 8, ऑक्सीजन का 32 दिया है, अब ऑक्सीजन का एक एटम का मास 16 होता है, 32 डिवाइडेड बाई 16 यानी कि 2, सिंपल रेशियो है तो बस बड़ा बड़ी इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अब देखिए ये जो नंबर है ये नंबर हमें किसको दे रहा है, कार्बन के मोल्स किसके बारे में हमें देगा, ये हमें जो सिंपल रेशियो आ रहा है ना ये एक्चुअली मोल रेशियो है। अगर ये मोल रेशियो है तो बस क्या करना है आपको, अरेंज कर लीजिए, कार्बन के कितने हैं 5 तो लिख लिया हमने C5, हाइड्रोजन वाले कितने हैं 8 तो H8, ऑक्सीजन कितना है 2 तो O2। अगर हमसे कोई पूछ ले एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ क्या होगा, हम लिख देंगे C5H8O2, ये हमारा आंसर कर सकते हैं। तो ये तो रहा टेबल फॉर्म। दूसरी चीज, क्या हमें इसकी कोई ज़रूरत है कि हर बार हम टेबल निकाल के करें, बिल्कुल नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना है, हमारा टारगेट होगा कि हम मोल्स निकाल लें, एक्चुअली मोल रेशियो निकाल लें, क्योंकि अगर मोल रेशियो हमने निकाल लिया तो बस एम्पिरिकल फॉर्मूला हम तुरंत लिख देंगे। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, हाँ हम फॉर्मूले से लगा के निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है, इसी डिटेल्स को हम यहाँ लिख लेते हैं, कार्बन 60%, हाइड्रोजन 8% एंड ऑक्सीजन 32%, जो कि हमने कैलकुलेट करके निकाला है, ठीक है टोटल 100% है। हम मान लेंगे कि हमारा जो कंपाउंड है वो कितना है 100 ग्राम है, कितना है 100 ग्राम। आपको याद हमने परसेंटेज कंपोजिशन सीखा था, वहाँ हमने कहा था किसी भी एलिमेंट का जो परसेंटेज दिया होगा वो परसेंटेज हमें क्या बताता है कि अगर 100 ग्राम कंपाउंड है तो उसमें 60% यानी कि 60 ग्राम कार्बन होगा, जितना परसेंट यानी उतने ग्राम वो एलिमेंट उसके अंदर होगा। अब बताइए तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये किससे किससे बना है, कार्बन से बना है, हाइड्रोजन से बना है और किससे बना है, ऑक्सीजन से बना है। कार्बन कितना परसेंट है 60%, हाइड्रोजन कितना 8%, ऑक्सीजन कितना 32%, है ना। अब हम यहाँ से मास निकाल लेंगे, तो देखिए मास कैसे निकल जाएगा, 68% है ना, तो 68% का मतलब कितना ग्राम, 68 ग्राम। अच्छा हमने यहाँ पर 100 ग्राम ही क्यों लिया, क्या हम और कोई नंबर नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। हम 100 इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका 100 में से 25% मार्क्स आया है तो आपका मार्क्स कितना हुआ 25। कोई और नंबर होता वो कैलकुलेट करना पड़ता, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन वो काम कैलकुलेट करना होगा, इससे मेरी कैलकुलेशन हमेशा बढ़ जाएगी। तो जब भी परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा हम हमेशा अपने कंपाउंड को 100 ग्राम मान के आगे बढ़ेंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा, जहाँ जहाँ परसेंटेज है वहाँ वहाँ आप बस ग्राम लगाते चले जाइए। बताइए हाइड्रोजन कितना 8 ग्राम, ऑक्सीजन कितना 32 ग्राम, ये बात समझ आ रही है। हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए, क्योंकि जब मोल्स मिल जाएंगे तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बना लेंगे। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम किसे बना लेंगे, मोल्स का। बताइए मोल्स कैसे निकालते हैं, हाँ ये ग्राम आपको मास दिया है ना, तो मास वाला फॉर्मूला बताइए क्या होता है, गिवेन मास अपॉन मोलर मास। तो देखिए 68 ग्राम क्या है, कार्बन है, तो इसी कार्बन को मास को आप इसके मोलर मास से डिवाइड करिए, कर सकते हैं 68 ग्राम है कि 60 ग्राम है, सॉरी ये सब 60 ग्राम है ना, तो कार्बन का मास 12, तो 60 डिवाइडेड बाई 12 यानी कितना मोल्स आ जाएगा, 5 मोल्स आ जाएगा। अब बताइए हाइड्रोजन एलिमेंट का मास, एक एटम की बात करें तो 1 है, तो 8/1 यानी कि 8 रेशियो 32, ऑक्सीजन एटम का मास 16, तो 16/32 यानी कि 2, ये आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स रेशियो 5:8:2, बस कंपाउंड रेडी, नहीं कंपाउंड नहीं, कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला रेडी। देखिए कार्बन कितना है 5, तो C5, हाइड्रोजन कितना है 8, तो H8, ऑक्सीजन कितना है 2, O2। देखिए ध्यान से ये पीछे वाले आंसर से बिल्कुल मैच करेगा, C5H8O2, C5H8O2, बात समझ आ रही है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यूज करें, जो हम पीछे पढ़े थे उसी को यूज करना है, तो ये आसान है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। फिर भी अगर आपको वो पसंद आता है तो आप बिल्कुल उसको वैसे भी कर सकते हैं।
देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या इसी क्वेश्चन का जो सेकेंड मेथड है वही बताया गया होगा। देखिए सेकेंड मेथड, लेट द मास ऑफ द कंपाउंड बी 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में कार्बन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है 60% कार्बन, हाइड्रोजन 8%, ऑक्सीजन 32%। अब देखिए 60% का मतलब 60 ग्राम, 8% मतलब 8 ग्राम, 32% मतलब 32 ग्राम। मोल्स निकालना है, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपन मोलर मास। गिवन मास 60 ग्राम, कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम, डिवाइड कर देंगे 5 आ जाएगा। ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ गया तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला रेडी। कार्बन 5 तो C5, हाइड्रोजन 8 तो H8, ऑक्सीजन 2 तो O2। कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं ना। तो चलिए ये एक छोटा सा क्वेश्चन, हाँ आप अभी आराम से ट्राई कर लीजिएगा, हम आगे तब तक क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 3.6 ग्राम कार्बन, 0.7 ग्राम हाइड्रोजन एंड 1.4 ग्राम नाइट्रोजन एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन। सही है, इसमें पहले से आपको बता रखा है कि ऑक्सीजन भी है, नहीं बताया होता तो कैसे चेक करते, परसेंटेज तो दिया नहीं था तो भी एक आइडिया था। ठीक है, टोटल कितना हमारे पास 7.3 ग्राम कंपाउंड है। अगर जो हमारे पास दिए हैं इन सबको ऐड करके 7.3 ग्राम आ जाता तो ऑक्सीजन नहीं होगा। अगर ये कम है यानी कि उसमें कौन है, ऑक्सीजन भी होगा, जितना कम होगा उतना ऑक्सीजन हो जाएगा। जैसे हमने परसेंटेज में कैलकुलेट किया था वैसे आप यहाँ पर मास ग्राम में कैलकुलेट कर लेंगे। कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो देखिए 7.3 ग्राम है तो आप यहाँ लिख लीजिए 7.3 ग्राम। उसमें 100 ग्राम क्यों लिखे थे, क्योंकि सब परसेंटेज में दिया था, यहाँ सब ग्राम में दिया है तो बस डायरेक्ट जैसे दिया वैसे कॉपी कर लीजिए। देखिए तो 7.3 ग्राम में 3.6 ग्राम कार्बन दिया है, 0.7 ग्राम हाइड्रोजन दिया है, 1.4 ग्राम नाइट्रोजन दिया है। ऑक्सीजन हमें खुद कैलकुलेट करना है, देखिए कैसे कर लेंगे, इनको इनको ऐड करिए, ये हो जाएगा 2.1 और 3.6, आई थिंक हो जाएगा 5.7 ग्राम। कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिलके कितना बन रहा है, 5.7 ग्राम, जबकि हमें कितना दिया गया टोटल 7.3 ग्राम। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं ना, इसका मतलब कुछ और भी है जो हमें दिख नहीं रहा है, वो क्या है, ऑक्सीजन। तो इसमें से माइनस कर दिए, पता चल जाएगा कितना, 13-7 यानी कि 6-5 यानी कि 1.6 ग्राम इसमें क्या है हमारा, ऑक्सीजन है। ये बात समझ आ रही है या नहीं, सही है। अब तो बस क्योंकि मास पता है आपको, मोल्स निकाल लेंगे, क्या करेंगे, हाँ इसी को इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे। देखिए 3.6 को किससे डिवाइड करेंगे, कार्बन का मोलर मास एटम है तो 12, तो उसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 रेशियो, 1 से डिवाइड करेंगे सेम आएगा 0.7 रेशियो, नाइट्रोजन है 1.4 से डिवाइड करेंगे, नाइट्रोजन कितना होता है 14 ना, तो ये भी हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन का 1.6 है और 16 होता है तो इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 0.1 आ गया ना। अब आपको आसान है, या तो आप देख के पता चल जाएगा आपको कि सर ये 3711 का रेशियो है। अगर दिक्कत हुई तो हमने कहा था जब भी आपको डेसिमल दिख जाए छोटा नंबर चूज करिए, इसमें सबसे छोटा कौन है, दोनों ही सेम है 0.1, कोई एक ले लीजिए और उस नंबर से सबको डिवाइड कर दीजिए। चलिए 0.1 से 0.3 को डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 3, 0.7 को 0.1 से डिवाइड करेंगे बन जाएगा 7, ये सेम नंबर से डिवाइड किए तो 1, ये भी क्या बन जाएगा 1। ये हमारा सिंपल रेशियो, ये हमारा सिंपल रेशियो नहीं है, ये हमारा सिंपल रेशियो है। अगर ये मोल रेशियो आ गया तो देख कंपाउंड क्या बनेगा, C3, फिर क्या है हाइड्रोजन H7, फिर नाइट्रोजन एक एटम यानी कि सिंगल N, ऑक्सीजन एक एटम यानी कि सिंगल O, कंपाउंड बनेगा। एक्चुअली कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा C3H7NO, C3H7NO। बात समझ में आ रही है, हम जो आपको समझाना चाहते हैं वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपको डेसिमल में वैल्यू मिल गया मोल रेशियो तो तुरंत जो सबसे छोटी वैल्यू है उसे सबको डिवाइड कर दीजिए, फिर जो आपको नंबर मिलेगा वो नंबर आपको क्या दे देगा, मोल रेशियो। अच्छा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको छोटे नंबर से डिवाइड करने के बाद भी एग्जैक्ट नंबर ना मिले, यानी कि आपको मिल सकता है 2.9। तो क्या 2.9 कोई नंबर है, नहीं है, हम इसको कितना मान लेंगे 3। अब मान लीजिए हो सकता है कभी आपको मिल गया
4.83, बताइए हम इसको कितना मान लेंगे, 5। अगर हमें मिलता 2.01 तो इसको हम कितना मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, कई बार एक दो बार आपको ऐसे देखने को मिलेगा, वो क्यों मिलता वो भी हम बता देते हैं आपको। हम हाइड्रोजन को कितना लेके चलते हैं, 1, जबकि एक्चुअल हाइड्रोजन कितना होता है, 1.008। याद है जब हमने एटॉमिक मास के सीरीज आपको दिखाया था तो वो वैल्यू ऐसे दी थी, हमने कहा था हम आपको इतना कॉम्प्लेक्स याद नहीं कराएंगे, हम सिंपल सा एक वैल्यू लेके चलेंगे, सही है। इसकी वजह से कार्बन की वैल्यू आती है एग्जैक्ट 12.001, जबकि हम कितना लेके चलते हैं, सिर्फ 12 लेके चलते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, तो आपको क्या करना है, उसको राउंड ऑफ कर लेना है। कर लेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आप आराम से कर लीजिएगा, इसको छोटा कर देते हैं। अभी भी नहीं दिखा, आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए या फिर तुरंत सॉल्व कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका आंसर आएगा क्या है, N2O4। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आसानी से निकाल लेंगे, इसमें आपसे पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी, तो बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या करना होगा आपको। हाँ, आपको एन निकालना होगा, एन आ जाएगा तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन कैसे निकालेंगे, हाँ, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। कर लीजिएगा, मोलर मास इसमें दिया होगा कहीं, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है ना, कितना दिया है, 92, यहाँ 92 रख लेंगे, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाले होंगे उसका मास से इसको डिवाइड कर देंगे, आपको एन की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आएगी, एन की, बस उस एन की वैल्यू रख के आगे आप सॉल्व कर दीजिएगा। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, ये जो 7:16 दिया है, आप ये मत करिएगा कि नाइट्रोजन को N7 लिख दे और ऑक्सीजन को O16 लिख दे, अगर आपने ये लिख दिया तो आपका गेम हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, हाँ ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये जो रेशियो दिया है वो क्या दिया हमें, मास रेशियो, और हमने कहा था एम्पिरिकल फॉर्मूला किससे बनता है, मोल रेशियो से। याद है पीछे हमने बताया था मास रेशियो को मोल रेशियो बनाना, तो बस आप पहले इस रेशियो को क्या बना लीजिएगा, मोल रेशियो डायरेक्ट, इसमें ना परसेंटेज की जरूरत है ना ग्राम की जरूरत है, कुछ नहीं, बस मास रेशियो को तुरंत क्या बना लीजिएगा, मोल रेशियो। मोल रेशियो से आपको क्या मिल जाएगा, हाँ एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर फिर भी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो आगे हम इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम कंबस्टन डेटा। आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।